वो सामने एयरपोर्ट है हमारा ना, 12 साल में हर बार बिजली गिरती है जो है। लोग नहीं है कि हम मुस्लिम है, हम इसमें नहीं जाएंगे। ये रहा अपना गेट, मेन गेट, अभी भी 300-400 मीटर तो अब रह गया है रास्ता, अराउंड 100 मीटर। वो वाला व्यू देखो यार, क्या गजब व्यू, एक नंबर। और देख तो ले नजारा यार, ये रहा अपना, ये देखो एक पेड़ है। तो अभी बिजली महादेव के लिए हम आए हैं कुल्लू से, अराउंड 25 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई थी और रोड वगैरह इतना ख़राब है कि हम गाड़ी तो 2 किलोमीटर पीछे लगा रहे हैं ताकि गाड़ी की ना ग्राउंड क्लियरेंस कम है और प्लस वेट ज़्यादा है तो गाड़ी लग रही है नीचे ना। बाकी अभी यहाँ कहीं है महादेव का मंदिर, वहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ से ना पूरे कुल्लू का पूरा व्यू आता है और अभी ये देखिए व्यू यहाँ से। गाड़ी तो हम लाए नहीं ऊपर, 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है। देखिए पहाड़ियाँ, फैजल भी आ रहा है, फैजल वो रहा, सांस चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और कुल्लू की पूरी हाइट पे हम लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से रास्ता 1.5 किलोमीटर ऊपर। मैं तो सिर भी भाई। अभी 1.5 किलोमीटर से 750 मीटर ही आए हैं, आधे से ज़्यादा भी बचा हुआ है। हालत ख़राब हो रही है थोड़ी सी क्योंकि हम ना बिना ऑक्सीजन की जगह से आए हैं। अभी भी 300-400 मीटर बचा हुआ है और 15 मिनट की चढ़ाई है, हालत हो गई है ख़राब। और अभी कम से कम 20 मिनट की होनी, 20-25, 400-500 मीटर बता रहे हैं, आधा किलोमीटर। और ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, कैफेज हैं, आप कुछ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से, बाकी हम तो अभी कुछ नहीं ले रहे। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बुरी हालत होगी यार अभी तक, हमें ना रनिंग करनी पड़ेगी अब स्टार्ट। रनिंग तो करनी ही पड़ेगी। अभी रास्ते में ही है और पेड़ देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी फैजल सबसे आगे है इस टाइम। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अभी 200 मीटर रह गया है हमारा और ये देखिए पूरा कुल्लू का व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखिए। तो अब रह गया है रास्ता अराउंड 100 मीटर और हालत बुरी है क्योंकि हम लोग ना लेह से आए हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा चढ़ाई करी। सामने मंदिर आ गया है, बस पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम बिजली महादेव के मंदिर में। अरे वाह नज़ारा देख, पहुंची भाई। वो वाला व्यू देखो यार, क्या गजब व्यू आ रहा है, अमेजिंग। गायें गायें खड़ी हैं, गायें घास खा रही हैं, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। वो देखिए वो व्यू है ना, एक नंबर। गाड़ी गाड़ी कैसे आई यहाँ, गाड़ी कैसे आई भाई? अभी हम पहुँच गए हैं बिजली महादेव, बिजली महादेव मंदिर, और यहाँ से नज़ारा चेक करो। और ये अपना कुल्लू और वहाँ पे मंदिर है अभी महादेव, हर हर महादेव जी। हम लोग जा रहे हैं पर व्यू बड़ा प्यारा है। तो भाई नज़ारा चेक करो, अब देखो हम टॉप पे आ गए हैं, थोड़ा सा रह गया अब।
तो भाई लास्ट में हम पहुंच गए हैं। देखो वो सामने मंदिर है, उस पर लिखा हुआ है जय बिजली महादेव। और इस तरफ भी देखिए, हम पूरी हाइट पे हैं, इससे ऊपर कोई पहाड़ हमें दिख नहीं रहा है सिवाय मंदिर के। और ये पीछे मार्केट्स वगैरह भी हैं, डॉग्स वगैरह खेल रहे हैं। एक डॉग ये है हमारा, ये क्या लेके जा रहा है भाई? ये तेरा ही नज़ारा देख रहे हो? अरे वाह, ये रहा अपना गेट, मेन गेट, जय बिजली महादेव। घास देख कितनी प्यारी लग रही। ओ भाई नज़ारा चेक करो भाई, गजब यार गजब। अरे यार देख तो ले नज़ारा यार। पैजल क्लाइंबिंग वसूल होगी, ये चेक करो भाई लोग, उस तरफ से अलग नज़ारा है। और ये रहा अपना मंदिर, ये रहा अपना त्रिशूल, और ये रहा अपना मंदिर का मेन रास्ता। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो अभी फूल ही फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। प्लास्टिक फ्री जोन है, कभी भी आओ तो गंद मत फैलाना, जेब में डाल लो या डस्टबिन में डाल दो। शूज उतार दिए हमने यहाँ पे। ये देखो एक पेड़ है, काफ़ी पुराना है, इसमें भी कोई मन्नत वगैरह के धागे लगे हुए हैं। बाकी ये भी मंदिर है और ये भी मंदिर है। अभी अंदर जाने वाले हैं, वहाँ तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो दर्शन करके वापस आ जाएंगे। और ये रहा हमारा मंदिर। तो भाई लोग मंदिर के दर्शन हमने अंदर जाके कर लिए हैं। और ये बताया जाता है कि यहाँ पे 12 साल में हर बार बिजली गिरती है, जो यहाँ पे अंदर शिवलिंग है उसके पास। और ये देखिए त्रिशूल वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ से देखिए पूरा कुल्लू दिखता है भाई। ये फोटो के व्यू के लिए और मंदिर के दर्शन के लिए हम आए थे। मुझे इतना ज़्यादा स्टोरीज का तो देखो पता नहीं, क्योंकि हम मुस्लिम लोग हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा दूसरे रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है जानना। बाकी अंदर गए थे, बहुत ज़्यादा पीस था। क्यों फैसल? मज़ा आया भाई। हम वो लोग नहीं है कि हम मुस्लिम हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं नॉन मुस्लिम, वो ऐसा करते हैं, तो वो सही बातें नहीं है। मिलजुल के रहो यार, इंडिया में रह रहे हैं, इतना अच्छा मिलजुल के काम हो रहा है, तो दिक्कत नहीं है। बाकी सुकून बहुत आ रहा है यार, यहाँ पे ठंडा है। और व्यू चेक करो आप भाई जी, एयरपोर्ट देख, वो देख सामने एयरपोर्ट है। हाँ नज़ारा चेक करो भाई लोग, नज़ारा पूरा कुल्लू दिख रहा है यहाँ से। देखो एयरपोर्ट भी है सामने, मैं जूम करता हूँ। देखिए वो सामने एयरपोर्ट है हमारा ना। और कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, यहाँ के तो और कुछ लग रहा है भाई, शांति। बेकॉम स्टेज टू, बेकॉम स्टेज टू। अगर वो तो गाइज अभी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, दर्शन वगैरह भी कर लिए हैं, और बहुत प्यारी जगह थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए नज़ारा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना वीडियो को, और कमेंट में बताना कि आपको जगह कैसी लगी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। तो अभी टाइम है अपने घर की तरफ निकलने का, और मैं तो सोऊंगा अभी, नींद पूरी नहीं है बिल्कुल भी। सारा लिया था मस मेरा।